जोड़ते हैं, जय कुमार हैं कोलकाता से। जय कुमार जी गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, टाटा पावर है मेरे पास में सर, 1000 शेयर 240 के रेट पे। तो एक बार रेट बताएंगे, 240 रुपए। ठीक है ठीक है, हम ग्राफिक्स में जरा ये ठीक करेंगे, 249 नहीं 240 जो है रुपए पे खरीदारी इनकी। हाँ पूछे अपना सवाल। सर 240 पे मैंने बाई किया हुआ है सर, एक साल हो गया सर, इसको होल्ड कर करूं या सोल्ड आउट कर दूं सर? ठीक है, कितना रुक सकते हैं अगर रुकना हो आपको? लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ सर मैं। ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए। विवेक जी टाटा पावर, आज तो हम पावर शेयरों में करंट भी देख रहे हैं, टाटा पावर पे क्या होगा नजरिया, लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं अच्छे खासे मुनाफे में फिलहाल? देखिए प्रशांत, ये जब पिछली बार 200 मतलब इस लेवल पे चल रहा था, तब कई बार बात हुई थी कि वैल्यूएशन थोड़ा कॉस्टली है और कुछ ज्यादा हो नहीं रहा था पावर सेक्टर में, और उसके बाद में सारे के सारे पावर स्टॉक्स में एक करेक्शन आया। लेकिन उसके बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं एक के बाद एक, आज के दिन आपने जैसे कहा एकदम 100% सही है कि पावर सेक्टर में ही वो करंट है बाजार में। और अब पिछले जो क्वार्टर्स का रिजल्ट्स वगैरह देख के जो प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस है पावर सेगमेंट पे, और एनटीपीसी से तो मैं कई समय से आपको चैनल पे रिकमेंड कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब टाटा पावर अभी भी सस्ता लग रहा है और ये इमीडिएट टारगेट हो सकता है कि आपको 301 आजू बाजू दिखाए, तो होल्ड करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो पावर की खपत है, ऊर्जा की खपत है भारत में, वो यहाँ से और बढ़ने वाली है और ये सारे स्टॉक्स आपको यहाँ से और ऊंचे स्तर दिखाएंगे। एक और बता दूं, अडानी पावर जैसे आप अगर पिछले कुछ दिनों का अगर डेटा देखो तो वहां पे भी प्रमोटर बाइंग भी चल रही है, तो ये कॉन्फिडेंस देता है कि प्रमोटर्स भी आज के दिन पावर सेक्टर पे बुलिश है, तो होल्ड रहेगी और अगर किसी को लेना हो लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टाटा पावर पे नजरिया पॉजिटिव, 300 तक के लक्ष्य लॉन्ग टर्म में नजर आ सकते हैं, और पूरा पावर सेक्टर अगर हम देखें तो वहां पर बेहतर संकेत इस वक्त मिलते हुए। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, अनिल कुमार यूपी से हैं। अनिल जी पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मेरा सवाल यह है कि मैंने टीटी के प्रेस्टिज के 56 शेयर परचेज करे थे 992 के रेट पे, ओके, और मुझे करीब 10,000 से 15,000 का नुकसान हो रहा है। मैं पिछले 1.5 साल से इसको होल्ड कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा था कि मेरा ये जिसमें परचेज करे वो रेट मिल जाए तो मैं हट जाऊं, क्या ये पॉसिबल है? ओके आदित्य, क्या लग रहा है आपको टीटी के प्रेस्टीज 1 से 1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ये भाव था जिस भाव पे इन्होंने खरीदा है, सितंबर के आसपास ये भाव था, क्या लग रहा है आपको इनका भाव? देखिएगा 992 का करीब करीब 150 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, 170 रुपए के आसपास का, क्या करें? करेक्ट, अनिल जी ने इतना टाइम होल्ड किया है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा टाइम और होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक अभी एक रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है, तो 840 स्टॉक का एक 820-840 एक स्टॉक का रिवर्सल पॉइंट है, एक बार वो क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक वापस छलांग लगा सकता है टुवर्ड्स 900, 1000 एंड 1100। चलिए तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा और पेशेंस आपको दिखाना होगा, अब तक आपने जो धैर्य दिखाया उसको थोड़ा और कंटिन्यू कीजिए, आगे आपको बेहतर संकेत